हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी एंड शायद से कुछ लोग मुझे पहले से जानते भी होंगे। मेरा यूट्यूब पे ऑलरेडी एक चैनल है कृपेश आडवाणी के नाम से, जहां पर मैंने वीडियोस बनाए हैं रिलेटेड टू डिजिटल टूल्स, ब्लॉगिंग या फिर टेक के बारे में। ये जो चैनल है ये उसका टोटल अपोजिट होने वाला है। यहाँ पर सारी चीज़ें नॉन टेक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एंड इससे पहले मैं बताऊँ, मुझे आप लोगों की एक हेल्प भी चाहिए रहेगी रिलेटेड टू दिस चैनल, या मैं उसको लास्ट में बताता हूँ। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस चैनल में क्या क्या आएगा, किस तरह का कंटेंट आएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम लोग पर्सनल फाइनेंस के बारे में। मेरा फाइनेंस में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, मेरी जो पर्सनल फाइनेंस की खुद की स्ट्रैटेजीज रहती है जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मेरे लिए काम करती है, मैं किस में इन्वेस्ट करता हूँ, किस में नहीं करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ, वो सब मैं यहाँ पे शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंसेस। तो फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोज़ आते रहेंगे। सेकेंड विल बी माई लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो भी मैंने चीज़ें सीखी है, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, वो सब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। जो मैं सीख रहा हूँ उसमें से अगर मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ तो आई विल शेयर दैट। एंड जो मेरी अभी तक की जर्नी रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो नॉर्मली लोग नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भोपाल, टियर टू सिटी से हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मेरा बहुत अच्छा एजुकेशन रहा है, IIT से पढ़ा हूँ या इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं यार हम लोग, एंड सरकारी स्कूल से, नॉर्मल से कॉलेज से BCom किया था मैंने। और BCom के साथ में मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जो लोग यूजुअली नहीं लेते थे। इन 2012 आई डिड ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर्स BCom के साथ में, और उस टाइम पे लोगों को उसका ज़्यादा फ्यूचर भी नहीं लगता था कि ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है तुम्हारा। बट नाउ आई कैन कनेक्ट द डॉट्स कि ये चीज़ें मैंने करी, दैट्स वाई आई एम हु आई एम टुडे। तो बहुत अलग अलग डिसीजंस लिए हैं मैंने फ्रॉम माई कॉलेज टाइम, कॉलेज के बाद कुछ एक जॉब छोड़ी मैंने, फिर अपना काम किया, फ्रीलांसिंग करी और अपने ब्लॉग्स बनाए, अपना यूट्यूब चैनल बनाया, ऐप्स बनाए, ब्लॉग्स बेचे, फिर वापस ब्लॉगिंग में एंट्री करी, कंसल्टेशन किया। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने करी है, तो उसके रिलेटेड सारे जितना भी मेरा लाइफ एक्सपीरियंसेस रहा है, जो जो मैंने सीखा है, जो जो मैंने मिस्टेक्स करी है, जो मेरे फेलियर्स रहे हैं, जो उसके जो लाइफ लेसन्स है, वो सब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली कुछ बाउंड्रीज मुझे मेंटेन करनी है ताकि वो मेरे बिजनेस पे रिफ्लेक्ट नहीं करें। लास्ट टाइम मैंने कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर दी थी जिसकी वजह से मुझे मेरे बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट मिला था, तो बाउंड्रीज को यहाँ पे मेंटेन करेंगे। बट जो क्रक्स रहेगा वो आई विल शेयर, और जो भी मैंने सीखा है, आई बिलीव आई एम मोस्टली सेल्फ टॉट। मैंने बुक्स से, वीडियोज से, दूसरों को देख करके, फेलियर्स से काफ़ी कुछ सीखा है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं दैट आई विल ट्राई टू शेयर, एंड कोशिश ये रहेगी कि हम लोग साथ में अपग्रेड हो पाएँ। आई विल ट्राई टू अपग्रेड माई सेल्फ टू द नेक्स्ट वर्जन विद दिस चैनल, और साथ ही साथ आप लोग भी शायद से एक नेक्स्ट वर्जन में अपग्रेड हो पाओ। और इसके बाद यहाँ पर व्लॉग्स आएंगे। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू सम प्लेसेस, तो अगर मुझे लगता है कि मैं उसका व्लॉग बना सकता हूँ, या फिर मेरे पास टाइम है, या इफ़ आई एम ट्रैवलिंग सोलो तो मैं उसके व्लॉग्स बनाऊँगा। रिसेंटली अभी यूरोप ट्रिप करी थी मैंने, तो उसके व्लॉग्स हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ अभी और आने वाले हैं। तो अगर व्लॉग्स में इंटरेस्टेड है तो वो देख सकते हो, वो भी मतलब व्लॉग प्लस पॉडकास्ट रहेगा। मैं जाता हूँ, मैं लोगों से, मुझे बात करना काफ़ी पसंद है, नए नए लोगों से मिलना पसंद है। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ, आई यूजुअली हैव अ शॉर्ट इंटरव्यू विद देम कि कैसा है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ एक अलग ही लगता है दूर से कि यार ये तो बार्सिलोना, ये तो दुबई है, एंड देन व्हेन यू एक्चुअली टॉक विद पीपल हु आर लिविंग देयर, हु आर एक्चुअली देयर, उनका जब आप लोग एक्सपीरियंस सुनते हो तब फिर आपकी ट्यूबलाइट जलती है कि नहीं यार, वी आर लाइक वी वर सोल्ड ऑन समथिंग जो एक्चुअल में वैसी है नहीं जैसा हमें बताया गया है या जैसे हमने इमेजिन किया था। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपने व्लॉग्स के थ्रू, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप्स में भी वी कैन टॉक अबाउट दैट, लाइक आई एम 28, तो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो मे बी वी कैन टॉक अबाउट दैट। सो टेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता रहूँगा मेरे मेन चैनल के ऊपर, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ डिफरेंट बात करेंगे रिलेटेड टू नॉन टेक। यहाँ पर आपको मेरा एक दूसरा वर्जन देखने को मिलेगा, दैट्स वाई द नेम कृपेश 2.0, इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम ये रखा है। एंड मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मुझे ये वाला नाम रखना है कि नहीं रखना है, दैट्स वाई आई नीड योर हेल्प कि मुझे क्या नाम रखना चाहिए इस चैनल के लिए। कृपेश 2.0 एक नाम है जो मैंने सोचा था, जो अभी रखा हुआ है। देन आडवाणी जी.com भी मेरे पास है। तीसरा जो था वो था लाइफ ऑफ KP, ये भी मुझे अच्छा लगा था, KP टॉक्स। या इफ़ यू गाइस हैव एनी सजेशंस तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि मुझे इस चैनल का क्या नाम रखना चाहिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना अगर नए आए हो तो, इट्स फ्री।
अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो बाद में अगर कंटेंट पसंद नहीं आया तो, अभी सब्सक्राइब करके देख लो फ्री है क्या जा रहा है। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होपफुली आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।